आप इस प्रकार से शौचालय हमें स्कूल नहीं चलाना, तो भी हमने बिल्डिंग के लिए मांग करी। उन्होंने बताया कि आप कुछ भी करके किराए से मकान लेके चलाओ, तो ये मकान किराए से ले रखा है और कभी यहाँ चलाते हैं, कभी 2 साल तक उधर चलाया था स्कूल। इस वजह से समस्या कभी इधर कभी उधर, इन्हें अस्थायी तौर पर स्कूल चल रहा है। तो 2012 में स्कूल खुल चुका है, जुलाई 2012 में, और ये 4-5 साल से बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं। हम कभी पेड़ के नीचे पढ़ाते हैं, कभी उधर पढ़ाते हैं। परिवार वाले वो उनका काम करते हैं, हम अपना काम करते रहते हैं। बच्चों का ध्यान भटकता है, पढ़ाई हम जो चाहते हैं वो पढ़ाई नहीं हो पाती है, क्योंकि बच्चे की पढ़ाई नुकसान तो हो रहा है। इस बात से हमें बड़ा दुख है, क्योंकि परिवार के लोग इनके भी आते जाते रहते हैं, हम इनको बोल नहीं सकते हैं। खुले में इनके खाना बनता है तो परेशानी आती है, परेशानी बहुत आती है। ये इनके पालतू जानवर है, हम इनको भगा नहीं सकते हैं, तो घर में घूमते फिरते हैं, आते जाते रहते हैं, परेशानी बहुत आती है। बच्चों को पढ़ाने में 2012 से स्कूल खुला हुआ है, उसके बाद में हमने दूसरी बिल्डिंग में भी पढ़ाया बच्चों को, उसके बाद में उन्होंने मना कर दिया। उनके बाद में फिर अपने शौचालय में स्कूल चालू किया, शौचालय में अधिकारियों से हमने गुहार लगाई, सर हमको स्कूल दो बिल्डिंग दो, उसके बाद भी कोई सुनाई नहीं हुई। उसके बाद फिर शौचालय में अधिकारी ने मना कर दिया कि नहीं इधर नहीं पढ़ाना, आप किराए से लेके पढ़ो। फिर हम गाँव गई मन्नालाल जी के मकान में, भी आपने देखा उसमें पढ़ा रहे, इनके पशु आते हैं, मुर्गी आती है, गाय भैंसे के तबेले में कि दी उधर कभी, हाँ उधर पढ़ाते हैं। और हम कई जगह लेटर लिख चुके, विधायक महोदय से भी कहा, कई बार सबसे भी कहा, कोई सुनवाई नहीं करते, केवल खाना पूर्ति करके अपना अपना काम। के बाद हमने चंदा इकट्ठा करके शौचालय की जमीन नीति पहले गवर्नमेंट के, उसको चंदा इकट्ठा करके हमने शौचालय की जमीन भी खरीदी, स्कूल की जमीन। मैं खुद अमर सिंह पहले SMSC का स्कूल का मैं अध्यक्ष रह चुका हूँ, मैंने खुद ने बोला मेरी जमीन लो, मैंने जमीन दान में दी है इनको स्कूल बनाने के लिए, फिर भी कोई मकान वगैरह नहीं बना सर। अपने जिले में 26 विद्यालय भवन विहीन है, पूरे नीमच जिले में 26 विद्यालय भवन विहीन है, तो उसमें जी आंकली भी उसी में शामिल है। और अभी अपन कलक साहब के सहयोग से, कलक साहब के सहयोग से प्रत्येक विद्यालय के लिए 4,16,000 रुपये राशि अतिशीघ्र जारी करने वाले हैं। जैसे ही शासन से, मतलब भोपाल से आदेश आ जाएगा, उसके 2-4 दिन बाद हम राशि जारी कर देंगे, वो निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा और बच्चों को किसी प्रकार की परेशानी